टू माय चैनल फैशन एंड ग्रामर रश्मि और मैं हूँ रश्मि। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ अलग और पहली बार वीडियो मैं डाल रही हूँ। तो गाइस अगर आपको पसंद आए मेरी वीडियो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और जो न्यू है मेरे चैनल पर वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही में जो बेल आइकन आता है उसे भी क्लिक करना ना भूलेगा। सो गाइस चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं किस चीज़ पे आज आपको रिव्यू दे रही हूँ और मैं उसे यूज़ करके भी दिखाऊंगी। तो गाइस चलिए आज मैं हेयर स्पा करूंगी और ये मैंने आज ही मंगवाया है स्नैपडील से और बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में मिला है मुझे ये और डिस्काउंट पे मिला है, काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मुझे इस पर मिल गया है। ये लॉरियल का हेयर स्पा स्मूथनिंग क्रीम बाथ क्रीम 490 ग्राम की है ये और ये मुझे 371 रुपीस की मिली डिस्काउंट पर। तो गई मैं इसको आपको यूज करके भी बताऊंगी अभी, तो चलिए इसको यूज करके बताती हूँ। और सबसे पहली बात, यूज करने से पहले अगर आपके हेयर ऑयली हैं तो आप वॉश कर लीजिएगा और फिर उसके बाद जब आधे सूख जाए और आधे गीले हों उसके बाद आप जो मैं बता रही हूँ आप उस हिसाब से फिर आप इस क्रीम को यूज कर सकते हो। तो गाइस मेरे बाल सूखे थे तो मैंने उनको गीला कर लिया है और अब मैं चलिए आपको बताती हूँ कि इसको कैसे यूज करना है। मैंने एक प्लास्टिक बाउल लिया है और चम्मच जिससे कि मैं इसको निकालूंगी। लिवॉन का हेयर सीरम यूज करती हूँ अपने हेयर पे, तो मैं थोड़ा सा इसको भी इसमें मिक्स करूंगी, सिर्फ 2-3 बूंद, ताकि ये मेरे हेयर्स को और अच्छे से जो बिल्कुल पार्लर वाला इफेक्ट होता है ना वो बिल्कुल इसको डालने से पार्लर वाला इफेक्ट आएगा एकदम। तो मैं इसको प्रेफर करती हूँ अपने हेयर्स पे। तो गाइस चलिए ठीक है, मैं इसमें अप्लाई करूंगी, अभी मिक्स करके दिखाऊंगी आपको। मैं अपने हेयर के अकॉर्डिंग लूंगी, आप अपने हेयर के अकॉर्डिंग ले सकते हो क्रीम और क्रीम का टेक्सचर बिल्कुल क्रीम के जैसे है, ना ज़्यादा ठीक है ना ज़्यादा थिन है। और इसमें सिर्फ 2-3 बूंदे मैं अपने हेयर सीरम की डाल दूंगी, 2-3 बूंदे हेयर सीरम की। अगर आपके बाल लंबे हैं तो आप ज़्यादा बूंदे डाल सकते हो, 4-5 डाल सकते हो। अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी अच्छे से, आप देख सकते हो अच्छे से मिक्स हो गया एकदम। मैं टॉवल लगा लेती हूँ ताकि खराब ना हो कपड़े। रूट से लेकर एंड तक पूरे में अच्छे से क्रीम लगाइए ताकि ये कोई भी कहीं पे भी छूटे ना क्रीम, अच्छे से बालों को नरिशिंग मिल सके। अच्छे से नीचे तक गाइज अभी आप देख सकते हो कि मैंने अपने बालों पे अच्छे से लगा लिया है। अब मैं आगे का प्रोसेस बताऊंगी। ये जो टॉवल है इसको मैं गर्म पानी में डिप करके फिर अपने बालों को पूरों को इसमें फोल्ड कर दूंगी। 40 से 50 मिनट आप ऐसे रखेंगे, उसके बाद सिर्फ सिंपल वाटर से वॉश कर देंगे। तो गाइज चलिए मैं अभी इसको रैप करके आती हूँ गर्म पानी में। गर्म पानी सिर्फ इतना ही रखिए जितना कि आप बर्दाश्त कर सकें, इससे ज़्यादा गर्म पानी नहीं रखना आपको। तो चलिए मैं आती हूँ फिर। तो अभी गाइस मैंने ना अपने टॉवल को वार्म वाटर में डिप करके और फिर अपने हेयर्स पे को फोल्ड कर लिया हेयर को। तो गाइस आप भी ऐसा करिएगा और 40 से 50 मिनट के बाद इसको सिंपल पानी से धो देना है बस। उसके बाद में शैम्पू नहीं करना आपको,
बस ऐसे ही सिंपल पानी से वॉश कर देना है। अभी 40 से 50 मिनट तक रखना होगा, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ मेरे हेयर्स का रिजल्ट। फ्रेंड्स, अभी मैंने अपने हेयर्स वॉश कर लिए हैं और सुखा लिए हैं, तो उसके बाद देखिए गाइस मेरे बालों की जो शाइन है वाह, और छूने में इतने सॉफ्ट है, इतने सॉफ्ट है कि ऐसा लगता है कुछ मखमली जैसा मैं छू रही हूँ। और एक जब मैंने इसको कॉम किया तो एक भी बार अटका नहीं मेरा कॉम, और एक भी बार टूटा नहीं। सो वैसे तो मैंने ये पहली बार किया है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। और एक बात और, स्कैल्प में अगर कोई स्टिचेज हैं या फिर कोई चोट लगी है तो आप ये हेयर स्पा ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा, आप ये बिल्कुल मत कीजिएगा। और अगर आप नहीं है तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आपको मेरी वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने फ्रेंड और फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक यू गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, लाइक ज़रूर दीजिएगा।